छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को करीब 104 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ये जीत की खुशी है, ये उस साहस को सलाम है जिसके चलते 5 दिन और 4 रातों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक मासूम की जिंदगी बचा ली गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे राहुल को करीब 104 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। 5 दिनों तक जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहुल के रेस्क्यू के लिए जुटे रहे। इस तरह का ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। सेना के जवानों ने पूरे रेस्क्यू की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। जवान ही टनल के जरिए पहले बोरवेल के गड्ढे तक और फिर राहुल तक पहुंचे। राहुल के भीतर होने के कारण रास्ते की चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से न काटकर हाथों से तोड़ा गया, फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। इसके बाद रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे खींचकर राहुल को बाहर निकाला गया। शुक्रवार को बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में राहुल गिर गया था। 60 फीट गहरे गड्ढे से उसे बाहर निकालने में चट्टानों के चलते काफी परेशानियां आईं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने राहुल को निकालने में पूरी ताकत झोंक दी। 5 दिनों तक 60 फीट नीचे दबे रहने और गड्ढे में पानी भरे होने के कारण राहुल को बेहतर इलाज के लिए फौरन एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में अब उसका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।